नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पौराणिक कथाएं एक भारतीय संस्कृति में। दोस्तों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वर्ष गुरु पूर्णिमा पे बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है और 400 वर्षों बाद सबसे बड़ी पूर्णिमा 3 जुलाई 2023 दिन सोमवार को मनाई जाएगी। और इस दिन अगर आप लोग अपने अपने राशि के अनुसार पूजा पाठ और स्नान दान करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी और आपके जीवन में सिर्फ सफलता ही सफलता मिलने वाली है और आपके सारे सपने सच होने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। लेकिन इसी के साथ मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे जाके क्लिक भी जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी नई नई कथा की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। धन्यवाद। दोस्तों, हर साल अषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस साल 3 जुलाई दिन सोमवार को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। प्राचीन काल से ही गुरु को विशेष महत्व दिया जाता है और गुरु ही जीवन में सही राह पर चलना सिखाते हैं। हिंदू धर्म में गुरु को भगवान से भी ऊपर माना जाता है। मान्यता है कि इस शुभ दिन पर 18 पुराणों के रचिता महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए गुरु पूर्णिमा के साथ ही व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस बार गुरु पूर्णिमा पर बहुत सालों के बाद बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। साथ ही इस दिन वाशी, सुनफा, बुद्धादित्य और ब्रह्मायोग जैसे शुभ संयोग रहेगा। वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वालों के लिए भद्रयोग और वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए सस योग बन रहा है। इन शुभ योग और मुहूर्त में गुरुदेव की पूजा अर्चना और स्नान दान का विशेष महत्व है। अगर आप इस वर्ष गुरु पूर्णिमा पर अपने राशि के अनुसार दान दक्षिणा देते हैं तो आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी और आपके जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां मिलेगी और आपके सारे सपने सच होंगे। इसलिए इस वर्ष गुरु पूर्णिमा पे ये कार्य करने मत भूलिएगा। तो क्या कार्य करना है अपने राशि के अनुसार, वो मैं अब बताने वाली हूँ। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं मेष राशि वालों के लिए बता रही हूँ। अषाढ़ पूर्णिमा पर मेष राशि के जातक गुड़, लाल रंग के कपड़े जरूरतमंदों को दान करें। ऐसा करने से आर्थिक संकट दूर होने वाला है। दोस्तों, अब मैं वृष राशि वाले के बारे में बता रही हूँ। वृषभ राशि वाले मिश्री का दान करें, साथ ही पूरे दिन पूजा घर में घी का दीपक जलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके सारे सपने सच होंगे। मिथुन राशि वाले को गाय को हरा चारा खिलाना शुभ होगा। हरी मूंग का दान भी कर सकते हैं, इससे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। कर्क राशि वाले जातकों को गरीब या जरूरतमंदों को चावल का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा करने से तनाव से मुक्ति मिलेगी और आपके लिए शुभ माना जाएगा। सिंह राशि वाले जातक को गुरु पूर्णिमा के दिन गेहूं का दान करें। ऐसा करने से आपके धन धान्य में वृद्धि होगी। दोस्तों, अब मैं कन्या राशि वालों के बारे में बता रही हूँ। कन्या राशि के जातक इस दिन ब्राह्मण को भोजन या श्रद्धानुसार दक्षिणा अवश्य दें। गाय को चारा भी खिलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। तुला राशि वाले को अषाढ़ पूर्णिमा पर तुला राशि के लोग छोटी छोटी कन्याओं को खीर का दान करें। मान्यता है कि इससे यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वृश्चिक राशि वाले लोग बंदरों को चने और गुड़ खिलाएं, साथ ही पढ़ाई से संबंधित सामग्री गरीब छात्रों को दान करें। ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में सफलता मिलेगी। धनु राशि वाले जातकों को गुरु पूर्णिमा के दिन धनु राशि वाले मंदिर में चने का दान करें, इससे घर की सुख शांति बनी रहेगी। मकर राशि वाले जातक पूर्णिमा पर गरीबों को कंबल बांटें। ऐसा मान्यता है कि अगर आप पूर्णिमा के दिन कंबल बांटते हैं तो आपकी नौकरी में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपको सफलता मिलेगी।
कुंभ राशि वाले जातक किसी वृद्धाश्रम में श्रद्धानुसार कपड़े, अन्न, धन दान दें। साथ ही मंदिर में काली उड़द की दाल दान करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कुंडली में कोई भी दोष होगा वो खत्म हो जाएगा। मीन राशि वाले जातक, मीन राशि के जातक पूर्णिमा पर हल्दी और बेसन से बनी मिठाई गरीबों में दान करें, इससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों, अगर आप अपनी राशि के अनुसार पूर्णिमा के दिन ऐसे कार्य करते हैं तो आपको सिर्फ सफलता ही सफलता मिलेगी। दोस्तों, आज की जानकारी यहीं तक, मिलूंगी फिर अगले कथा में। तब तक के लिए नमस्कार।